चैट जीपीटी से लेकर मशीन लर्निंग या वर्चुअल रियलिटी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिजनेस के कई पहलुओं सहित हमारे दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। यदि किसी कंपनी की एचआर टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर रही है तो संभवतः वे कई लाभों से वंचित हो रहे हैं। रिक्रूटमेंट चैटबॉट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो उन्हें अपनी ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल करना चुनते हैं। वे रिक्रूटर्स का बोझ कम करने और जॉब एप्लीकेंट्स के अनुभव को बढ़ाने में मदद करते हैं। रिक्रूटमेंट चैटबॉट एक AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है जिसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के विभिन्न पहलुओं को ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बातचीत के तरीके से यूजर्स इनपुट को समझने, व्याख्या करने और प्रतिक्रिया देने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। जॉब सीकर्स और कैंडिडेट्स के साथ अधिक कुशलता से जुड़ने के लिए रिक्रूटमेंट चैटबॉक्स को वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मैसेजिंग ऐप से इंगेज किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने, जॉब एप्लीकेंट्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने और ओवरऑल एफिशिएंसी में सुधार करने की क्षमता के कारण रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट चैटबॉट एक तेजी से पॉपुलर टूल बन रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चैटबॉट्स को ह्यूमन इंटरैक्शन से पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। पर्सनल और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए उनका उपयोग ह्यूमन रिक्रूटर्स के साथ मिलकर ही किया जाना चाहिए। एक इफेक्टिव रिक्रूटमेंट चैटबॉट ये सभी कार्य करने में सक्षम होंगे। पहला, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग करके उन्हें बहुत फास्ट गति से रिक्रूटर के सामने पेश करना। दूसरा, एप्लीकेंट्स के लिंक्डइन प्रोफाइल का एनालिसिस करना और उनके अलग अलग नेटवर्किंग वेबसाइट्स में दिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स को एग्जामिन करना। तीसरा, एक्सपीरियंस और लोकेशन जैसे स्पेसिफिक फिल्टर का इस्तेमाल कर एप्लीकेंट्स को रैंक करना। चौथा, जॉब एप्लीकेशंस डिजाइन करने या भरने में एप्लीकेंट्स के डाउट्स क्लियर करना या फॉर्म भरने में मदद करना। पांचवा, इंटरव्यूज स्केड्यूल करने के साथ साथ फॉलोअप करना। छठा, इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यूज को रिमाइंडर्स भेजना। सातवां, नेटवर्किंग इवेंट्स या करियर या जॉब फेयर्स में एप्लीकेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना। और आठवां, एप्लीकेंट्स के बेसिक क्वेश्चंस के जवाब देना। एआई बूम पूरे जोरों पर है। बाजार में बहुत सारे चैटबॉट्स अवेलेबल हैं। आज हम आपको चार सबसे लोकप्रिय चैटबॉट्स के बारे में बताएंगे। पहला है हायरव्यू। यदि आप बड़ी संख्या में आवेदकों वाली एक बड़ी कंपनी है तो हायरव्यू आपके लिए उपयुक्त चैटबॉट हो सकता है। यह अपने वीडियो इंटरव्यू सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है जो एचआर मैनेजर्स को जब भी समय हो इंटरव्यू देखने की अनुमति देता है। इंटरव्यूज वास्तव में वर्चुअल असिस्टेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे हायरिंग डिसीजंस लेने वाले लोगों को कैंडिडेट की रिएक्शंस को देखने और सुनने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। यह चैटबॉट स्केड्यूलिंग में भी मदद करता है। जाहिर है इंटरव्यूअर अपनी सुविधा अनुसार अपना इंटरव्यू स्केड्यूल यानी कि फिक्स कर सकते हैं और उन्हें आपके साथ कैलेंडर जोड़ने की जरूरत नहीं है। हायरव्यू उन एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग करने में भी सक्षम है जो आपके द्वारा मांगे गए जॉब के बेसिक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, जिससे आपके आवेदकों की संख्या कुछ अधिक मैनेजेबल हो जाती है। हालांकि
हायर व्यू महंगा है और जॉब एप्लीकेंट्स को एक एक्चुअल इंसान के बजाय एक वर्चुअल असिस्टेंट से इंटरव्यू कराना उनके लिए डिससैटिस्फाइंग हो सकता है। दूसरा चैटबॉट है ओलिविया। यदि आपने रिक्रूटमेंट चैटबॉट्स पर गूगल पर एक बेसिक गूगल सर्च भी करोगे तो संभवतः आपकी नजर ओलिविया नामक चैटबॉट पर जरूर पड़ेगी जो अनबिलीवेबली पॉपुलर है। ओलिविया की पेरेंट कंपनी पैराडॉक्स एक्सट्रीमली हाई लेवल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है जो अपने प्रत्येक कस्टमर को उनके प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस को यूज करने में मदद करने के लिए एक कस्टमर सक्सेस मैनेजर देती है। ओलिविया को जॉब एप्लीकेंट्स को एक ऑटोमेटेड फनल के माध्यम से ट्रांसफर करने आपके लिए एनी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स या इंटरव्यू को स्केड्यूल करने और उन एप्लीकेंट्स के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में मदद करने के लिए जाना जाता है जिन्होंने आपको परेशान किया है। हालांकि इसका डाटा एनालिटिक्स थोड़ा अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। ओलिविया किसी भी एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है जिन्हें अपना समय खाली करने और एप्लीकेंट्स को जल्द से जल्द पाइपलाइन में ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। हमारे लिस्ट में अगला चैटबॉट है ब्रेजन। ब्रेजन सिर्फ एक रिक्रूटमेंट चैटबॉट ही नहीं है, यह एक एंटायर वर्चुअल करियर फेयर प्लेटफॉर्म है। कल्पना करें कि आपकी कंपनी में विभिन्न विभागों के लिए वर्चुअल बूथ्स हैं और एप्लीकेंट्स को वीडियो, फोन कॉल या टेक्स्ट के माध्यम से आपके साथ बातचीत करने की अनुमति मिलती है। यह रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर का एक अनूठा रूप है जो आपकी कंपनी की वर्तमान जरूरतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो सकता है। ब्रेजन में एक शानदार लाइव चैट सुविधा और टेरिफिक कस्टमर सर्विस सपोर्ट सिस्टम भी है। अगर इस चैटबॉट की नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ऐप का मैक्सिमम हिस्सा इतना ऑटोमेटेड है कि इससे आपके ब्रांड की वॉइस खत्म हो सकती है। हालांकि इसमें पर्सनलाइजेशन के अवेलेबिलिटी की कमी है, ऐप को सेटअप करना आसान है और यह चैटबॉट यूजर फ्रेंडली है जिसके कारण आप इसे एक बार ट्राई तो जरूर कर सकते हैं। अगला चैटबॉट है एटफोल्ड। क्या आपके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास बहुत क्वेरीज हैं तो एटफोल्ड आपके मदद के लिए उपयुक्त है। यह रिक्रूटमेंट चैटबॉट इंप्रेसिव एक्यूरेसी के साथ जॉब एप्लीकेंट्स के सिंपल से सिंपल एज वेल एज टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। इसमें एप्लीकेंट्स के डाटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए एक इनबिल्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी है। हालांकि इस चैटबॉट का डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जिस तरह से ये चैटबॉट ह्यूमन कन्वर्सेशन करने में सक्षम है वह इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। कंपनी की डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें ब्लाइंड स्क्रीनिंग की विशेष क्षमता भी है। कुछ अन्य लोकप्रिय चैटबॉट्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला सेंस रिक्रूटिंग चैटबॉट, दूसरा स्टेपस्टोन, तीसरा आइडियल, चौथा जोर, पांचवा हायर ह्यूमनली, छठा वीसीवी, सातवां मी बी बॉट, आठवां एक्सप्रेसिव, नौवां वेड एंड वेंडी और दसवां सिंफनी टैलेंट। यदि आप अभी भी झिझक महसूस कर रहे हैं तो एक निर्धारित अवधि के लिए चैटबॉट आजमाने पर विचार जरूर करें, यह देखने के लिए कि इसका उपयोग करना कितना कठिन है और क्या यह आपके रिक्रूटर्स के जीवन को आसान बनाता है। आप यही सोच रहे हैं ना कि अगर आपने चैटबॉट का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा। आप
ऐसी चीजों पर अपना समय और पैसा खर्च करेंगे जो वह टैलेंट नहीं ला पाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स ह्यूमन सेंटर्ड इश्यूज पर अधिक समय बिताएंगे। आप जॉब एप्लीकेंट्स को शेड्यूल करने में उलझे रहेंगे और आप एक्चुअली फील कर सकेंगे कि आप कितना कीमती वक्त ट्रिवियल मैटर्स में बर्बाद कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरिए मत। ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन को खोए बिना इसे अपनाने का एक तरीका खोजें। धन्यवाद।